फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योति एजुकेशनल सेंटर। लाउड वीडियो में मैंने नाउ फिनिश करवा दिया था। अगर अभी भी आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं दोबारा एक वीडियो आपके डाउट्स पर बनाऊंगी। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोनाउन यानी कि सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच। बेसिक इंट्रोडक्शन में मैंने आपको पूरे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन दे दिया था और उसमें मैंने आपको क्लियर भी कर दिया था कि हम प्रोनाउन की जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्या होते हैं। तो आइए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपको इधर भी दे देती हूँ। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, जो नाउन की जगह यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी को बार बार नेम से कह के तो नहीं बुलाएंगे, क्योंकि नेम क्या हो गया, नाउन। हमें प्रॉब्लम होगी, रिपीटेशन होगा, तो नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए और उसके साइज को छोटा करने के लिए और बेसिकली बोलने में हमें कंफर्ट होना चाहिए, तो कंफर्टेबली हम बोल पाए किसी भी चीज के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं एक से ज्यादा बार, इसलिए हम यूज करते हैं प्रोनाउन का। फॉर एग्जाम्पल, अमित इज एब्सेंट बिकॉज अमित इज इल। अमित विल गो टू स्कूल आफ्टर 2 days। इसमें कितने बार अमित का यूज हुआ है, हम सेम पर्सन अमित के बारे में यूज कर बात कर रहे हैं, लेकिन हम कितनी बार उसको यूज कर रहे हैं और बोलने में भी हमको इतना कंफर्टेबल नहीं हो रहा, सुनने में भी बहुत ऑड लग रहा है। तो अगर हम कुछ ऐसा निकालें, सिर्फ हमें एक बार अमित का नाम लेना पड़े, क्योंकि एक बार तो हमें लेना पड़ेगा, नाउन का यूज करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हमें सेम पर्सन के बारे में भी बहुत सारी बातें कहनी है, बहुत कुछ बताना है, तो क्यों ना ऐसा कुछ सॉल्यूशन निकाले, हमें इसका नाम बार बार ना लेना पड़े। तो इसी सॉल्यूशन का नेम है प्रोनाउन। यानी कि अगर हम अमित की जगह क्या लिखते हैं, ही। अमित इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, सो ही विल गो टू स्कूल आफ्टर 2 days। कितना इजी हो गया। अब ये सिंपल नेम था, किसी का बहुत बड़ा नेम होगा यहाँ पर, बहुत बड़ा, तो बार बार उसका नाम लेने में हमको बोलने में कितना अनकंफर्टेबल लगेगा, तो इसलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं ताकि हम सेंटेंस को बोलने में कंफर्टेबल बना सके। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बता दिया था, ठीक है। तो यहां से मैं आपके मेन प्रोनाउन शुरू करूंगी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में केवल पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताऊंगी। बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं, मैंने यहाँ लिखे भी है 9 types के प्रोनाउन। ये 1 by 1 में हर प्रोनाउन पर सेपरेट सेपरेट वीडियोस आपको बनाऊंगी और बताती जाऊंगी। आज पर्सनल प्रोनाउन से हम शुरू करते हैं, इसके आगे मैं पजेसिव की देन थर्ड वीडियो डिस्ट्रीब्यूटिव की, इस तरह से मैं आपको बताती जाऊंगी। तो देखिए कितने टाइप्स के प्रोनाउन। सबसे पहले देखिए, जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ये सब, पजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ये सब प्रोनाउन मैं आपको 1 by 1 एक्सप्लेन करूंगी, पूरा डिस्क्राइब करूंगी। सो डोंट वरी, एक मेरी ये वीडियोस अगर आप सीख लेंगे तो प्रोनाउन में कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और साथ में आप उसको लिंक कर पाएंगे जो हम रियल लाइफ में यूज करते हैं। ये सब क्यों हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, ऑब्वियसली इसका यूज है इसलिए। तो आइए बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन के नाम से आपको उसमें आ रहा है पर्सन, मतलब जो पर्सन के लिए हम यूज करते हैं, लिविंग थिंग्स के लिए हम यूज करते हैं, जो हम अपने लिए यूज करते हैं, हम पर्सन है, वो आपके होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। एक्सेप्ट इट, इट हम यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, ठीक है, इस चीजों के लिए, और बाकी ट्रीज वगैरह इन सब के लिए हम इट यूज करते हैं। इसके अलावा जितने भी प्रोनाउन है ये हम लोग अपने लिए यूज करते हैं, यानी कि पर्सन के लिए, इसलिए यहाँ से इसका नाम आ गया पर्सनल प्रोनाउन। आपने हमेशा पढ़ रखे होंगे, सुन रखा होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, लेकिन इन सब में कंफ्यूजन भी बहुत होता है, तो मैं जो बताऊंगी आप ध्यान से सुनिए, इसके बाद आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इजीली आप इन प्रोनाउंस का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट है डेली लाइफ में, इसके बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता। इनफैक्ट मैं जो हिंदी में भी बोल रही हूँ ना, इसमें भी बहुत सारे प्रोनाउन है, और हिंदी में प्रोनाउन को बोलते हैं सर्वनाम। कोई भी सेंटेंस बिना प्रोनाउन के शायद ही कंप्लीट नहीं होता, अगर हम नाउन की जगह उसमें यूज करना चाहें तो हमें प्रोनाउन का यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन आपने सुने होंगे, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ये प्रोनाउन केवल वही होता है जो नाउन की जगह यूज हो। ऐसी कोई चीज जो नाउन की जगह यूज नहीं हो रही किसी और की जगह, वो आपका कभी प्रोनाउन नहीं हो सकता, ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। प्रोनाउन मतलब प्रो प्लस नाउन, प्रो मतलब इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है, प्रोनाउन का मतलब ही वही है। तो ये आई, मैं जैसे अपनी बात कर रही हूं, मैं, तो ठीक है, मैं अपना नाम नहीं लूंगी ना, ज्योति इतने बजे, मैं इतने बजे उठती हूँ,
आई एम टीचिंग यू, हमेशा यही बोलती ज्योति, मैं ऐसे नहीं बोलती। तो ये एक प्रोनाउन हो गया, नाउन की जगह यूज हो रहा है। इसी तरह से वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये होती है इनकी सब्जेक्टिव फॉर्म, जो हमेशा सब्जेक्ट की जगह यूज होती है। जब भी हम सब्जेक्ट वाले नाउन को रिप्लेस करते हैं तब हम हमेशा सब्जेक्ट वाले प्रोनाउन को ही यूज करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर अभी मैं आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म बता रही हूँ, जब भी हम ऑब्जेक्ट नाउन को यूज रिप्लेस करते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह जो नाउन होता है, तब हम ये वाले नाउन को यूज नहीं करते, इनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म को यूज करते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे मैं एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर करती हूँ, पहले आप इनकी ऑब्जेक्ट फॉर्म समझ लीजिए। देखिए आई का मी, ये सभी प्रोनाउन के बारे में बात हो रही है यहाँ। वी का अस, यू बहुत सिंपल है, यू का यू ही रहता है, यू बहुत सिंपल है। ही का हिम, शी हर, इसका यूज कैसे होता है मैं आगे आपको बताऊंगी, अभी आपको पता चल रहा होगा, सब आपने सुने हैं। देन, दे का देन, ये प्रोनाउन होते हैं, ये सब्जेक्टिव फॉर्म और ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म। अब देखिए, अच्छा उससे पहले मैं आपको बताऊंगी, आपने सुन रखा होगा फर्स्ट पर्सन, ठीक है, यहां मैं लिखती हूं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, क्यों लगा, पर्सन के लिए यूज होता है, एक्सेप्ट एनिमल्स के लिए भी यूज होता है, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है आपका एक, ठीक है, बेसिकली पर्सन के लिए यूज होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो देखिए फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं जो बोल रहे हैं, जैसे कि मैं बोल रही हूं, तो जो स्पीकर होता है वो होते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन किस तरह से प्रोनाउन का यूज करके बात करेंगे, जैसे कि ज्योति, मैं ज्योति हूं, तो मैं अपने आपको बोलूंगी आई, ठीक है, तो मैं बोलने वाला, जो अपने आपको बोलने वाला इंट्रोड्यूस करता है आई, या फिर बहुत सारे लोग हैं तो क्या कहेंगे हम, वी, तो ये आपके फर्स्ट पर्सन हो गए। क्यों, क्योंकि ये स्पीकर होते हैं, और जब फर्स्ट पर्सन बोल रहा होगा तो सेकेंड पर्सन वहां पर कोई सुन रहा होगा, वो हो गया यू, तुम लोग सुन रहे हो, तुम हो गया सेकेंड पर्सन। इसके अलावा बाकी सब हो गए थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन ना तो स्पीकर होता है ना लिसनर होता है, थर्ड पर्सन फिर कौन सा होता है, जिसके बारे में बात की जा रही होती है, ठीक है। थर्ड पर्सन इज द पर्सन whom we are talking about, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि इसके अलावा ही, शी, इट एंड दे, ये सब आपके हो गए थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, दे, ये सब आपके हो गए थर्ड पर्सन, ठीक है। क्योंकि हम किसी से बात करेंगे, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया, अमित की तबीयत ठीक नहीं है, अमित स्कूल नहीं जाएगा, अमित विल नॉट गो टू स्कूल, वो टू डेज बाद स्कूल आएगा, ही, तो मैं किसी से बात कर रही हूँ, मेरे सामने पर्सन है यू, मैं हो गई फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड, और मैं बात किसके बारे में कर रही हूँ, थर्ड पर्सन के बारे में। ही विल कम टू स्कूल आफ्टर टू डेज बिकॉज एज ही इज नॉट वेल, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, वहां होना उसका जरूरी नहीं है, ठीक है, जनरली वो वहां नहीं होता थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात करते, ये होते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो उसको रटो मत, आई और वी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन मतलब यू, ऐसे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। स्पीकर जो होता है वो आई और वी करके हमेशा बात करेगा, सुनने वाला तुम, यू, और जिसके बारे में बात हो रही है वो इन सब में से कोई भी हो सकता है, इसका, इसका, उनका, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब मैंने आपको बताया, आप आई मतलब मैं और मी मतलब मुझे, हिंदी में तो आप ऐसे ही समझते हो, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। ये देखिए सेंटेंस लिखा है, मुझे चॉकलेट पसंद है, इसकी सबको हिंदी पता है, इंग्लिश पता है, आई लाइक चॉकलेट्स। सीता ने मुझे पेन दिया, सीता गेव मी अ पेन, एक पेन दिया, ठीक है, व्हाटएवर, ठीक है। अच्छा आप एक चीज नोटिस करिए, यहां पर मुझे चॉकलेट पसंद है, इसमें तो मैंने आई वाला प्रोनाउन यूज किया है, सीता ने मुझे पेन दिया, यहां भी सेम हिंदी है मुझे,
लेकिन यहाँ मैंने मुझे के लिए क्या यूज किया है, मी। तो हिंदी से कंपेयर करके कभी भी इंग्लिश ऐसे मत बनाना, प्रोनाउंस की इंग्लिश। मैंने आपको क्या बताया था, सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म आपने नोट कर लिया। अब आप कंपेयर कीजिए, सब्जेक्ट नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं तो सब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज होगा, ऑब्जेक्ट नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज होगा। जैसे यहाँ पर आई लाइक चॉकलेट, ठीक है, ये था, तो ये सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट की जगह आई और मी दो होते हैं मुझे के, तो आई वाला यूज होगा। यहाँ पर मी यहाँ पर क्यों यूज हुआ है, यहाँ पर आई नहीं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट वाला है, ऑब्जेक्ट वाला नाउन होगा जो रिप्लेस हुआ है कोई, इसीलिए। ये बात आपकी समझ आ गई। अब ये दो एग्जांपल और बताइए, क्या है सही, असार गोई थी, ये रॉन्ग। अस अस ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गई वी की, लेकिन यहां पर तो ये सब्जेक्ट है तो क्या होगा, वी आर गोई। आई लाइक शी, ये भी गलत, क्यों, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब और शी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट में शी आ सकता है, शी तो हमारी सब्जेक्ट फॉर्म है, सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, इसकी जगह क्या आ जाएगा, आई लाइक हर। ऐसे आपका कभी भी गलत नहीं होगा, ऐसे करिए हमेशा काम। अब यहाँ पर कुछ पर्सनल नाउन को यूज करने के रूल्स होते हैं। जब भी एक सेंटेंस में एक से ज्यादा पर्सनल नाउन्स आते हैं तो उनकी पोजीशन को कैसे हमें रखना चाहिए एक ही साथ, जैसे साथ में आई भी आ रहा है, वी भी आ रहा है, दे आ रहा है, यू भी आ रहा है, तो सबसे पहले हम आई लिखेंगे, दे लिखेंगे या वी लिखेंगे, ठीक है। तो इन रूल्स में आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले रूल नंबर वन आप याद कर लीजिए, आंख बंद करके आपको रटा होना चाहिए, 2-3-1 इज ऑर्डर। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब ऑर्डर क्या होता है, पहले सेकंड पर्सन आता है, फिर थर्ड पर्सन आता है, फिर फर्स्ट पर्सन आता है। इसलिए मैंने आपको अभी ही जस्ट पहले ही फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पर्सन के बारे में बता दिया था, अगर आपको वो पता होगा तभी आप यूज कर सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन से होते हैं, इसके लिए आपको ये समझना जरूरी है, तो आप वो जरूर समझ लीजिए जो मैंने अभी बताया था। देखिए 2-3-1 ऑर्डर क्या होता है, पहले सेकंड पर्सन आता है, जैसे कि इसमें यू ही एंड आई तीन प्रोनाउन थे, तो आई भी इधर लिख सकते थे ना, आई ही एंड यू, लेकिन ये रॉन्ग हो जाता है क्योंकि मैंने क्या लिखा है रूल नंबर वन, 2-3-1 इज ऑर्डर। टू मतलब सेकंड पर्सन कौन सा है, यू, देन थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन, आर फर्स्ट फ्रेंड। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, यू दे और वी में से वी को हम पहले नहीं रख सकते हैं, नहीं, वी फर्स्ट पर्सन है, दे को पहले रख सकते हैं, दे थर्ड पर्सन है, टू सेकंड पर्सन को पहले रख सकते हैं, इन तीनों में से सेकंड पर्सन है आपका यू, इसके बाद 2-3 थर्ड पर्सन को उसके बाद रखना है, सेकंड के बाद दे, एंड लास्ट में कौन सा पर्सन को रखना है, फर्स्ट, यू दे एंड वी आर गोइंग टूगेदर, ठीक है। अब रूल नंबर टू, रूल नंबर टू होता है 1-2-3 ऑर्डर होता है इसका, लेकिन कैसे 2-3-1 रखे, 1-2-3, लेकिन ये स्पेशल केसेस में रखते हैं, जनरली 2-3-1 ही ऑर्डर होता है, लेकिन स्पेशल केस में हम कौन सा स्पेशल केस, जब कोई गलत चीज हो रही होती है, जब हम किसी गलत चीज को एडमिट करते हैं ये हमने की है, ठीक है, किसी बैड सेंस के बारे में बात करते हैं, किसी चीज के लिए हम गिल्टी होते हैं, कोई पाप हम करते हैं, तो उसमें अपने को पहले रखो, ठीक है, फिर सेकंड पर्सन को रखो, फिर जो कौन नहीं है थर्ड पर्सन को रखो, अगर तीनों ने ही कोई गलती की है। लेकिन यूजुअली हम डेली लाइफ में क्या करते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं ना नॉर्मली, तो हम 2-3-1 ऑर्डर नहीं रखते हैं, सबसे पहले अपने आप को रखेंगे, यस आई हैव डन, आई आई यू एंड शी, बट ऐसा नहीं होता। और जब भी कोई हम मिस्टेक करते हैं, कुछ गलत काम करते हैं, कुछ सिन करते हैं, कुछ पाप, तो पहले अपने आप को तो हटा ही देते हैं, पहले दूसरे बंदों को रखते हैं, शी यू एंड आई हैव डन दिस, बट ये रॉन्ग है, एज अ रेस्पेक्ट, एज अ मैनर, एज अ एटिकेट्स, एज अ मॉरल साइंस जो हमारी बताता है, एज अ मॉरल, हम ह्यूमन बींग है, वो हमेशा बताता है अगर कोई गिल्ट चीज है तो उसमें पहले अपने को रखो, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पर्सन, इस हिसाब से चलता है अकॉर्डिंग टू ग्रामर, ठीक है। तो अब से आप रियल लाइफ में भी इसी को जरूर फॉलो कीजिएगा, कैसे, आई यू एंड ही हैव डन मिस्टेक, मैंने तुमने और उसने ये मिस्टेक की है, ना कि ऐसे 2-3-1 पहले दोनों के नाम ले लो फिर लास्ट में अपने को ले लो, शायद बच जाऊं तो बची जाऊं कोई सुने ना, ऐसा नहीं होता। एज अ रेस्पेक्ट देने के लिए पहले अपने को सामने खड़ा करो, अगर आपने मिस्टेक की है तो पहले अपने को सामने खड़ा करो, ऐसी वी यू एंड दे, हमने तुमने उसने, हम अपना सिन, हम अपनी जो गलती है उसको एक्सेप्ट करते हैं, जो भी हमने सिन किया, पाप किया, मिस्टेक किया, उसको हम एडमिट करते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह की चीज होती है, पहले अपने आप को रखिए, ठीक है।
रूल नंबर थ्री क्या कहता है, इट इज, जो इट इज के बाद जब भी हम कोई भी सेंटेंस इट इज यूज करते हैं, इट इज मतलब हम उसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन यूज करने वाले हैं उस पर फोकस कर रहे हैं, तो हमेशा ऐसे में सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का हम यूज नहीं करते। जैसे इट इज आई हु कैन हेल्प यू, सिर्फ मैं ही हूँ, ये सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पूरी दुनिया मतलब कोई और नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ, मुझसे ही मदद लो, मैं ही कर सकता हूँ तुम्हारी मदद, ठीक है। तो हम यहाँ ये नहीं लिखेंगे इट इज मी, लेकिन जनरली आपने लोगों को बोलते सुना होगा, देखिए स्पीकिंग इंग्लिश डिफरेंट होती है ग्रामर से, स्पीकिंग इंग्लिश में हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब हमको सिर्फ कम्युनिकेशन से मतलब होता है, समझ आना चाहिए, लेकिन ग्रामर में अगर आप एग्जाम में कॉम्पिटिटिव में करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी कॉम्पिटिशन में, ठीक है। इसलिए ध्यान से सुनिए, इट इज आई हु कैन हेल्प यू, ऐसे इट इज वी हु हैव डन दिस असाइनमेंट, ये हम है जिसने ये असाइनमेंट फिनिश किया है, वरना कहां किसकी मस्की थी, कहां कोई कर पाता, इट इज वी, हम वी पर फोकस कर रहे हैं, तो हम यहाँ ये नहीं लिखते इट इज अस, नो, कंप्लीटली रॉन्ग। ओके, अब रूल नंबर आपका फोर क्या कहता है, जब भी कभी प्रपोजिशन आता है उसके बाद अगर जस्ट प्रपोजिशन के बाद ही प्रोनाउन यूज हो रहा है तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होगा, सब्जेक्ट फॉर्म में नहीं। कैसे, आई हैव व्हाट अ गिफ्ट फॉर हिम, मैंने उसके लिए गिफ्ट खरीदा, तो मैं आई हैव व्हाट अ गिफ्ट फॉर ही, रॉन्ग, फॉर हिम, ठीक है। He wants to apologize to them. To be एक preposition है। अब आप ये कर दो। He wants to apologize to they. Completely wrong. He wants to apologize to them. ये आपका use होता है इस तरह से। Next rule आपका क्या कहता है इसका? Then or as. मतलब then or as जब भी हम किसी को दो चीज को compare कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमेशा subjective form use होती है। लेकिन बोलने में भी हम generally communication में अभी तक जो बोलते हैं ना, ही इज टॉलर देन मी, आई एम शॉर्टर देन शी, शॉर्टर देन हिम, ही इज टॉलर देन हिम, जनरली हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करते हैं जो कि गलत होती है। आज आप ये बात जान लीजिए, देखिए ही इज टॉलर देन मी बिल्कुल सही लग रहा है देखने में, बिल्कुल सही लग रहा है, इसमें कुछ इसमें बहुत कंफ्यूजन भी रहता है, लेकिन एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू ग्रामर, मैंने बताया था स्पीकिंग जस्ट फॉर कम्युनिकेशन है ना, हमारा प्रॉब्लम क्या पर्पज होता है स्पीकिंग का, कम्युनिकेट करना, लेकिन एग्जैक्ट क्या होती है ग्रामेटिकली, या ये कंप्लीटली सेंटेंस रॉन्ग है, एक्चुअल में सेंटेंस क्या होगा, ही इज टॉलर देन आई एम, मी का सब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है आई, पूरा देन आई एम, ये इस तरह से इसमें देखिए, आई एम एज गुड एज हिम, ये भी रॉन्ग है, आई एम एज गुड As he is, मैं उतना ही अच्छा हूँ जितना कि वो उतना, वह उतना ही बड़ा है जितना कि मैं, उतना ही वो टॉलर है, लंबा है जितना कि मैं, सॉरी बड़ा नहीं, टॉलर मीन्स लंबा। नाउन फिनिश करने के बाद मैं एक आपको छोटी सी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवा रही हूँ, मैंने ये फाइव सेंटेंस लिखे हैं जिसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स है। सबसे पहला है, ये सेंटेंसेस आप अपनी कॉपीज में नोट डाउन करिए, मेरी वीडियो को 5 to 10 मिनट्स के लिए पॉज करिए, जितना भी टाइम आपको लेना है करेक्शन के लिए, उसके बाद जो मैं सॉल्व कर रही हूँ आपका अपने आप मैच करिए और चेक करिए आप कितने सही हैं। किसी भी सेंटेंस में आप कंफ्यूज हैं, मेरी वीडियो को वापस से देखिए, उस टॉपिक को देखिए कि क्यों यहाँ पर आपकी मिस्टेक है, तभी इसका कोई फायदा है, अगर आप साथ ही साथ देखते जाएंगे तो एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं है। आप पहले खुद सॉल्व करिए, चाहे आपके 5 सेंटेंसेस ही इनकरेक्ट क्यों ना हो, डोंट वरी, दोबारा वीडियो देखिए, दोबारा पढ़िए, आगे सही हो जाएंगे। चलिए मैं यहाँ स्टार्ट करती हूँ, होप सो आप भी अपने टीचर बन गए होंगे, आप अपने आप को मार्क्स दे रहे होंगे। इफ जॉन एंड यू प्रॉमिस योर हेल्प माई विक्ट्री समटेन, इसमें क्या क्या कहता है, 2, 3 and 1 यही बोलता है, लेकिन इसमें ये जॉन जो है वो नाउन है, तो क्या हुआ, इसको एज अ थर्ड पर्सन की तरह मान सकते हैं, तो पहले सेकंड पर्सन आता है, तो यानी कि पहले आपका ये गलत है, ये आएगा इफ यू एंड जॉन, ठीक है, 2, 3 and 1, जॉन की जगह अगर आई होता तो यू एंड आई आता, सबसे पहले सेकंड पर्सन ही आना है, सेकंड पर्सन आना है प्रोनाउन को, ये बात ध्यान रखना, चाहे कोई नेम हो, नेम लास्ट में जाएगा प्रोनाउन के बाद, ठीक है। अब देखिए, He and you are responsible for this blunder. आप कहोगे ये भी ऊपर के जैसा ही है, 2, 3, 1 लगा देते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। 2 मतलब पहले हम you करेंगे, फिर हम he करेंगे, है ना? लेकिन इसका देखिए
इसका रीजन 2, 3, 1 नहीं है, इसका रीजन है 1, 2 एंड 3। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था जब भी कोई मिस्टेक हम एडमिट करते हैं, कोई भी मिस्टेक पाप कुछ भी हम करते हैं, तो एज अ रेस्पेक्ट हम 1, 2 या 3 यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 1, 2 एंड 3 इन पर्सन यू एंड ही आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्लंडर। क्योंकि हम कुछ एडमिट कर रहे हैं तो पहले हम तुम और वह, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन इसमें है नहीं इसलिए सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। He took his younger brother with him. हाँ subject नहीं उसके यहाँ he की जगह him की जगह he use कर देते हैं उसे। नहीं ये sentence automatic ही correct है, इसका कुछ भी correction नहीं है। कुछ भी अगर आपका correct है तो उसे जबरदस्ती correct करने की जरूरत नहीं है। आपको competitive exam में option भी होता है all are correct ऐसे, या sentence is correct no mistake वो भी option हो सकता है। ऐसा नहीं कि हो गई होगा जबरदस्ती निकाल दी यहाँ पर he लग गया। और तो कोई हमें प्रोनाउन की मिस्टेक दिखनी नहीं, और तो कोई हमें ऐसा कुछ प्रोनाउन दिखनी। समझ आया? हमेशा प्रपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव फॉर्म यूज होती है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म मैंने रूल नंबर 4 में आपको बताया, पीछे जाके देखिए मेरे वीडियो में। तो ये सेंटेंस करेक्ट हो गया, ही इज एज बिजी एज हर, फिर तो ये भी सही है। नहीं, जब भी हम कंपेयर करते हैं एज या देन तो वहां पर सब्जेक्टिव फॉर्म यूज होती है। ही इज एज बिजी एज शी इज, जितनी की बहन, ठीक है। ऐसी ही है, दे आर एज फ्री एज अस, तो दे आर एज फ्री एज वी आर। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताइए और लाइक कीजिए। और आपको मेरा वीडियो समझ आता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नेवर फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन बटन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी अपडेट और एनी वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पजेसिव प्रोनाउन और आने वाले जितने भी प्रोनाउन है सबकी सेपरेट वीडियोस जरूर बताऊंगी। तो बने रहिए ज्योति एजुकेशनल सेंटर के साथ। बाय बाय।